हेलो एवरीवन, आज हम थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक कर लेते हैं। आई होप आपको सभी को समझ में आएगा। थोड़ा ट्रिकी वे में करेंगे और मजे लेते हुए करेंगे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश में जितनी हमारे idioms वगैरह वगैरह स्ट्रॉन्ग होती है, इंग्लिश हमारी उतनी स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे idioms होते हैं, जिनके idioms जो आते हैं पेपर में। पेपर में भी चाहे ना आए, हमारी नॉलेज के लिए भी हमें जानना बहुत जरूरी है कि बॉडी पार्ट से कौन कौन से idioms बन सकते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं हेड। हेड क्या होता है? सिर। अब सिर से रिलेटेड देखो कौन कौन से हैं। अब पहला वाला देखें, एन ओल्ड हेड ऑन अ यंग शोल्डर्स। अब यंग शोल्डर्स हैं, कंधे तो यंग है और हेड कैसा है? ओल्ड है। ओल्ड मतलब समझदार है ना। ओल्ड पीपल क्या होते हैं? एक्सपीरियंस होते हैं। और लेकिन कंधे कैसे हैं? कंधे हैं कैसे? यंग। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है कि हेड का काम क्या होता है? सोचना, यानी सोच तो बड़ों की तरह रहा है छोटा। ठीक है ना। अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स और टॉक्स लाइक अ लाइक एन ओल्डर और एक्सपीरियंस्ड मैन। ठीक है, अब आपको लगे कि छोटा बच्चा इतनी समझदारी की बातें कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे बड़े एक्सपीरियंस लोग करते हैं, तो उसके लिए आप बोल सकते हो एन ओल्ड हेड ऑन अ यंग शोल्डर्स। ठीक है, अब देखें दूसरा, ब्रेक पर्शियन हेड। पर्शियंस हेड यानी पर्शियन हेड को ब्रेक कर देना, तोड़ देना, यानी यूज़ बैड ग्रामर, यानी ग्रामर का अच्छा यूज ना करना। ठीक है ना, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट की बजाय हम कहते हैं मार्केट आई एम गोइंग वगैरह, मतलब ग्रामर का एक तरह से यूज गलत करना, ये होता है ब्रेक द पर्शियन हेड। पर्शियन का हेड को ब्रेक कर देना। अब बरी और हाइड। हाइड होता है छुपाना, बरी भी छुपाना। आप ये भी बोल सकते हो बरी वंस हैड इन द सेंड। आप ये भी आ सकता है कि हाइड वंस हैड इन द सेंड, कि किसी के हेड को छुपा देना कहाँ पे? सैंड में, रेत में। यानी क्या मतलब हुआ कि इग्नोर कर देना है ना, टू इग्नोर समथिंग और नॉट टू फेस रियलिटी, यानी रियलिटी को फेस ना करना, हमें नाटक करना कि हम किसी चीज़ को ना देखने का नाटक करना, कि मतलब कबूतर की तरह आंख मीच लेना, इसको क्या बोलते हैं? टू इग्नोर समथिंग और नॉट टू फेस रियलिटी, रियलिटी को फेस ना करना। तो हम कह देंगे कि हाइड वंस हैड इन द सैंड, कि अपना क्या मुँह क्या सिर क्या है रेत में छुपा रखा है। अब कम टू हैड। कम टू अ हैड का मतलब है संकट में आना। कम टू अ हैड यानी रीच अ क्राइसिस, संकट में आ गए हैं, क्राइसिस में आ गए हैं। कम टू अ हेड। हेड मतलब आगे आ जाना, यानी जो भी आगे आता है उसके ऊपर, उसमें संकट तो आता ही है। अब गोइंग ओवर वंस हेड। गोइंग ओवर वंस हेड यानी एक तरह से ऊपर, हेड के ऊपर से चले जाना, यानी समझ से बाहर होना। यानी ये कहते हैं ना कि मैडम ने जो समझाया मेरे तो सिर के ऊपर से गया, यानी कुछ भी समझ में नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे? गोइंग ओवर वंस हेड, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, यानी कैपेसिटी नहीं है उसको समझने की। ठीक है ना, ये होता है बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, उसको क्या बोलेंगे? गोइंग ओवर वंस हेड यानी सिर के ऊपर से जाना, समझ से बाहर होना। हैंग वन साइड। हैंग वन साइड का मतलब है टू बी असेम्ड। हैंग होता है लटकाना, यानी हेड को लटका लेते हैं, मुंह को कब सिर को कब लटकाते हैं, यानी जब हमें शर्म आती है, यानी शर्मिंदा होने से। टू बी असेम्ड, असेम मतलब शर्म होना, यानी शर्म से सिर झुका लेना, तो हैंग वन साइड। हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स, हेड मतलब सिर और शोल्डर्स मतलब कंधे, यानी बहुत अधिक बेहतर होना। ठीक है ना, यानी बेटर, मच बेटर देन अदर्स, दूसरों से ज़्यादा होना, यानी हेड और शोल्डर, शोल्डर्स भी है और हेड भी है, यानी हेड का मतलब यहाँ पे दिमाग, बेहतर होना। हेड इन द क्राउड्स। हेड इन द क्राउड्स यानी क्लाउड्स के बादलों के भी हेड होना, यानी मतलब डे ड्रीम देखना, दिन में सपने देखना। हेड इन द क्लाउड्स यानी क्लाउड्स क्या हो रहा है, दिन में भी डे ड्रीमिंग हो रहा है, यानी दिन में भी सपने देखना, यानी खुली आंखों से सपने देखना। हेड स्टार्ट। हेड स्टार्ट मतलब एन एडवेंचर ऑफ एवरी वन एल्स, यानी जो शुरू में हम बढ़ते हैं ना, हेड स्टार्ट यानी शुरुआत तो करो, एन एडवेंचर ओवर वन एल्स। अब हैड आई विन टेल यू लॉस। हैड्स आई विन, हैड्स तो मैंने विन कर दिया, टेल्स यू लॉस, और टेल से आपने लॉस कर दिया, यानी विजेता होना, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आप विनर बनना है, टू बी विनर इन एनी केस। ठीक है, अगर हेड आ गया तो मैं भी जीत गया, टेल्स आ गया तो यू लॉस। ठीक है, हेड्स अप। हेड्स अप का मतलब है कि तैयार रहना, अप मतलब तैयार रहना, एक तरह से तैयार रहने के लिए चेतावनी। एन एडवेंचर ऑफ वार्निंग ऑफ समथिंग, तैयार रहने के लिए चेतावनी देना, हेड अप, हेड्स अप। हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल मतलब सजा मिलना। ठीक है, डिसमिस टू रिजाइन या फोर्स टू रिजाइन। डिसमिस बोल सकते हो कि डिसमिस कर दिया उसको, यानी हेड्स विल रोल कर दिया, या आप बोल सकते हो फोर्स टू रिजाइन, उसको फोर्स किया गया, यानी नौकरी गवा देना एक तरह से। ठीक है, नौकरी गवा देने के लिए फायर ऑन भी होता है, फायर, ही इज फायर्ड बोलते हैं ना। हेड्स कोल्स ऑफ फायर ऑन वन हेड। हीप मतलब ढेर। हीप कोल्स ऑफ फायर, कोल्स मतलब कोयला। हीप ऑफ कोल्स ऑफ फायर ऑन वन हेड यानी बुराई जड़ देना किसी के सिर पर, यानी हेड के ऊपर फायर वाला कोयला रख देना। ही मतलब ढेर, यानी रिटर्न गुड फॉर इवल एंड मेक वंस असेम्ड फॉर हिज एनिमिटी, यानी बुराई के बदले में भलाई करना और करके लज्जित करना। अब देखो कोई ये कहता है कि बैरी बैर से ना मरे, प्यार से मर जाए, है ना, यही बात इसमें बता रखी है कि हीप कॉल्स ऑफ फायर ऑन वंस हेड, यानी हमें चाहे कोई हमारी बुराई करे तो हम उसका अच्छा कर देते हैं, तो उसका हेड क्या हो जाता है, दुश्मन का हेड भी क्या हो जाता है, शर्म से झुक जाता है। कीप वंस हेड। कीप वंस हेड का मतलब है कि शांत रहना, टू रिमेन काम,
यानी अपने हेड को हमने किस प्रकार से यंत्र का मतलब बनाए रखा है। कीप अ लेवल हेड, मतलब कीप अ लेवल हेड, लेवल हेड का मतलब हमारी समझ को के लेवल को हमने रखा है, यानी सेंसिबल बने रहे हैं, हम समझदार बने रहे हैं, समझदार हैं, ठीक है। कीप वंस हेड, लूज वंस हेड, लूज मतलब ढीला खो दिया, लूज मतलब अपना आपा खो देना एक तरह से, टू लूज सेल्फ कंट्रोल, अब कोई ज़्यादा ही इंसल्ट करने जाए तो क्या हो जाएगा, लूज कर देंगे हम अपना हेड, हेड मतलब समझ, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होता है हेड, ठीक है। तो अपना सेल्फ कंट्रोल कर देना या पैनिक हो जाना, ठीक है, पैनिक हो जाते हैं कई बार हम। अब देखें आगे, नाइदर हेड नो टेल, नाइदर इसको नीदर भी बोलते हैं, नीदर मतलब नीदर भी सही है, नाइदर भी सही है, नाइदर हेड नो टेल कि ना तो हेड हो ना टेल, यानी नथिंग, कुछ भी नहीं हो, हेड भी नहीं है टेल भी नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। ऑफ द टॉप ऑफ वन साइड, ऑफ द टॉप ऑफ वन साइड, यानी वन किसी के हेड के टॉप के ऊपर भी ऑफ होना, यानी पूरी जानकारी के बिना ही अनुमान लगा देना, ऑफ ऑफ है यानी बंद है, क्या टॉप और वन साइड, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे, टू गैस और एस्टिमेट विदाउट फुल इन्फॉर्मेशन, बिना किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने किए बिना हम वैसे ही गैस करते हैं, हाँ ये तो ऐसा हो सकता है, तो वो होता है। अब देखो ओवर हेड एंड ईयर, हेड से ऊपर से जाना यानी कुछ भी समझ में नहीं आना, अब ईयर के भी ऊपर से जाना का मतलब कम्प्लीटली पूरी तरह से कुछ भी समझ में नहीं आना, कम्प्लीटली ओवर हेड एंड ईयर मतलब कम्प्लीटली। अब ओवर वंस हेड, ओवर वंस हेड का मतलब इन अ सिचुएशन वेयर वन इज ओवरवेलम्ड विद टास्क, मतलब ऐसी स्थिति जहाँ व्यक्ति कार्यों से ओवरवेलम्ड हो जाए, यानी अभिभूत हो जाए, ज़्यादा हो जाए, जितनी उम्मीद है उससे भी ज़्यादा हो जाए, ओवर हो जाना यानी अतिरिक्त हो जाना, एक्स्ट्रा हो जाना, ठीक है। पुट हेड्स टुगेदर, पुट हेड्स टुगेदर का मतलब है कि इंसल्ट वन अनदर, पुट हेड्स टुगेदर एक दूसरे की सलाह लेना, कंसल्ट करना, इंसल्ट नहीं है सॉरी कंसल्ट, कंसल्ट होती है सलाह लेना। पुट हेड्स टुगेदर यानी सभी इकट्ठे बैठ के बैठते हैं कि अपने अपने हेड्स बताओ भाई, अपनी अपनी सलाह बताओ, तो कंसल्ट करना एक दूसरे से। रियर वंस अगली हेड, इसका मतलब होता है टू अपीयर, दिखाई देना, टेक प्लेस और अनप्लेजेंट इवेंट, यानी सैड ओवर प्रॉब्लम और समथिंग अनप्लेजेंट, जब हमारे साथ कुछ अलग दुखी होता है, हमारी सिचुएशन हमें अगली फील होता है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होती है हमारे साथ, कुछ असुगत हो जाता है, कुछ दुखी घटना हो जाती है, तब हम कहते हैं रियर वंस अगली हेड, यानी कि मतलब किसी अप्रिय घटना में कुछ भी घट जाना, यानी टू अपियर हो जाना, टेक प्लेस। स्वेलो, स्वेलो होता है निकलना, यह है स्वेलोन हेडिड यानी कंसीट एरोगेंट यानी घमंडी, स्वेलोन हेडिड, स्वेलोन हेडिड का मतलब है कंसीटेड और एरोगेंट, एरोगेंट मतलब घमंडी, प्राउडी बोल सकते हैं इसको। टू गो टू समबडीज हेड यानी किसी के हेड में जाना, किसी के हेड में जाना यानी टू बी अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बाई यानी घमंडी हो जाना, किसी के ज़बरदस्ती घर हेड में घुसना यानी घमंडी हो जाना। टू कीप वंस हेड अबव वाटर, वाटर से अबव हेड को रखना यानी मतलब कर्ज से ऊपर रखना अपने आप को, कर्ज से बचाना, टू कीप आउट ऑफ डेब्ट कर्ज से बचाना, यानी मैंने अपना क्या कर रखा है, आई कीप वंस हेड अबव वाटर यानी मैं कर्ज से बचा हुआ हूँ। टू टर्न ओवर वंस हेड, टू टर्न वंस हेड, टू टर्न वंस हेड का मतलब घमंडी बना देना, टू क्यूज टू बिकम कंसीडेड और एरोगेंट, और इसके लिए एक क्या था, घमंडी बना देना, ये था घमंडी हो जाना यानी खुद से हुआ है दिमाग में, किसी के दिमाग में कुछ ना, और ये टर्न किया है यानी टर्न किया है किसी ने बनाया है, यानी वैसे नहीं बनने वाला था, डोंट से कैसे भी यानी सिचुएशन ने उसको बना दिया। टर्न समथिंग ऑन इट्स हेड, टर्न समथिंग, टर्न होता है घुमाना एक तरह से दूसरों को, समथिंग ऑन इट्स हेड का मतलब नए तरीके से क्या करना, नए तरीके से बना देना यानी एक तरह से काया पलट देना यानी चेंज कर देना पूरी तरह से। टू क्लोज समथिंग टू बी अपोजिट ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, कि जो पहले था उसका बिल्कुल अपोजिट बना देना। कई बार हम मूवी देखते हैं ना कि पहले बहुत शरीफ आदमी होता है लेकिन बाद में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो गुंडा बन जाता है फिर, है ना, यानी पूरा अपोजिट हो जाता है, यानी कोई कई बार ऐसा होता है कि वो पूरा राक्षस होता है बाद में इतना अच्छा इंसान बन जाता है। इसका मतलब टर्न समथिंग ऑन इट्स हेड का मतलब है कि उसका हेड ही टर्न कर देना यानी अपोजिट कर देना। यूज वंस हेड, हेड को यूज करोगे तो मतलब सोचोगे, टू थिंक मतलब दिमाग का इस्तेमाल करना, ये कहते हैं ना कि भाई समझ में नहीं आ रहा, अपने हेड का यूज कर यानी यूज वंस हेड, यूज योर हेड बोलते हैं ना, यूज योर हेड या यूज योर हेड की जहाँ पर भी बात आ जाएगी सोचने समझने से रिलेटेड होगी। रैप वंस हेड अराउंड इट, रैप वंस हेड अराउंड इट का मतलब टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट वन कंसीडर चैलेंजिंग और कंफ्यूजिंग, कोई कंफ्यूजिंग लगे या चैलेंजिंग लगे तो उसको समझना यानी गुत्थी को सुलझाना एक तरह से, पजल को सोल्व करना, यानी रैप वंस हेड अराउंड का मतलब है कि जो रैप किया हुआ, रैप मतलब लपेटा हुआ है उसको सुलझाना एक तरह से, ठीक है। अब आगे है माइंड, माइंड से माइंड का मतलब है कि ये कहते हैं ना माइंड मत कर सब ठीक हो जाएगा, माइंड का मतलब टू बी, देखो टू बी इन टू माइंड, टू बी सॉरी बी इन टू माइंड्स, बी इन टू माइंड्स का मतलब दुविधा में होना, दुविधा में मतलब ये करूँ या ये करूँ, ठीक है। अनेबल टू डिसाइड या इन डिलेमा, डिलेमा भी होती है दुविधा,
यानी डिससिव भी होता है, यानी स्कूल में टेस्ट है, टेस्ट देना भी ज़रूरी है। अब दोस्तों ने कह दिया कि हमें मस्ती करने मूवी देखने जाना है तो वो भी ज़रूरी है, तो मस्ती करना भी ज़रूरी है। दुविधा में है कि अब मैं स्कूल में जाऊँगी या मस्ती में करूँगा छोटे बच्चे। वैसे डेली मैम हम पैरेलल दो एक्टिविटी हो जाती है, ये मजाक के लिए था। बियर इन माइंड, बियर इन माइंड का मतलब है याद रखना, ध्यान रखो, बियर इन माइंड टू रिमेंबर, याद रखना, ठीक है। ईजी समथिंग्स माइंड, ईज से ही ईजी बना है, ईज समबडीज माइंड, यानी किसी की चिंता को कम करना, यानी एलिवेट समबडीज अकॉन्शियसिटी। अकॉन्शियसिटी कहता है अकॉन्शियस, यानी कहता है अनकॉन्शियस हो रहा है, मतलब यानी चिंता हो रहा है, और एलिवेट मतलब कम करना, ईज करना, ईज मतलब आसान करना, किसी के माइंड को आसान करना, यानी किसी की चिंता को कम करना। माइंड चिंता से रिलेटेड, याद रखने से रिलेटेड होता है। गिव अ पीस ऑफ माइंड, गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब है कि अपने माइंड को पीस, गिव अ पीस, पीस दो मतलब रिव्यू करना, डांटना या स्कोल्ड करना। गिव अ पीस ऑफ माइंड, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, जैसे ग्रेट माइंड का मतलब है कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, महान लोग, दो लोगों की राय एक जैसी हो, ठीक है। तो सैड टू पीपल्स हैव सेम ओपिनियन और मेक सेम चॉइस, यानी ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, यानी माइंड तो अलग अलग हैं दोनों के, लेकिन सोचते सेम हैं। माइंड वंस लैंग्वेज कहते हैं ना, माइंड योर लैंग्वेज, तो भाषा को संयम में रखना, यानी ये बिल्कुल कंट्रोल रखना अपनी लैंग्वेज पे कि क्या बोल रहे हो दूसरों के सामने, दूसरों को फील तो नहीं हो रहा, ठीक है। टू टेल समवन स्पीक पोलाइटली, सभी को मतलब किसी से पोलाइटली बात करना, यानी रूडली बात ना करना, यानी कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज, कैसे रूडली बात कर रहे हो, माइंड योर लैंग्वेज, है ना। पुट इन माइंड, पुट इन माइंड का मतलब वही है, टू रिमेंबर, अपने माइंड में रखो, यानी याद रखना इसको। इसके लिए टू रिमेंबर के लिए एक और आया था ना, क्या आया था, बियर इन माइंड, बियर इन माइंड बोल दो या पुट इन माइंड बोल दो, सेम एक ही बात है। स्पीक वंस माइंड, स्पीक करना हो, किसी के माइंड में स्पीक होना, यानी उसकी मन की बात जान लेना। स्पीक दैट वन रियली थिंग्स, जो मतलब दूसरे बच्चे, कई बार बच्चे सोचते होते हैं और टीचर्स को फेस देखते ही पता चल जाता है और वो बता देते हैं कि आप ये सोच रहे हो, तो यह मतलब है स्पीक वंस माइंड, उसके माइंड की बात बोल दी। टू माइंड वंस पीस एंड क्विज, पीस एंड क्विज का मतलब है टेक केयर ऑफ एंटीक्विटीज, एंटीक्विटीज मतलब शिष्टाचार, शिष्टाचार का ध्यान रखना, पूरा ध्यान रखना शिष्टाचार का, यानी पीस और क्विज का पूरा ध्यान रखना, ठीक है। कई बार बच्चे भी टीचर्स की बात को ध्यान में रख लेते हैं कि हाँ आज टीचर का मूड ऐसा है और आज ये हो सकता है वो हो सकता है, ठीक है। अब आईज, आईज जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हमारी आई है, आई से रिलेटेड कुछ फ्रेजेज होती हैं, उनका मतलब क्या क्या होता है वो देख लेते हैं हम। अब सबसे पहले है असाइट फॉर सोर आईज, असाइट फॉर सोर आईज का मतलब है खुशनुमा होना, खुशनुमा जैसे है, पर्सन और थिंग वंस एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव्ड टू सी, मतलब हमें एक तरह से रिलीव मिले, अशांति मिले और एक्सट्रीम प्लीज हो जाए, हम खुश हो जाएं, ऐसी एक्टिविटी साइड ऑफ साइट फॉर सोर आईज। ऑल आईज का मतलब है कि पूरे ध्यान से देखना, ईगरली वॉचिंग, यानी मूवी देख रहे हैं और एकदम से गुंडा उसको उठा के ले जाए और हम ध्यान से देख लेते हैं आगे क्या होगा, ईगरली वॉचिंग, पूरे ध्यान से देखना। ऑल ऑइज एंड ईयर, ऑल आइज एंड ईयर का मतलब है चौकस हो जाना, अटेंटिव होना, जैसे कई बार पेरेंट्स चले जाते हैं तो क्या बोलते हैं बच्चे को, अपने ऑल ऑइज और ईयर्स रखना है, यानी अटेंटिव रहना है घर पे, चौकस रहना है पूरा, कहीं कोई आ जाए दरवाज़ा नहीं खोलना है, ठीक है। ऑल ऑइज आर ओन, ऑल आइज आर ओन का मतलब है ध्यान का केंद्र रहना, यानी सभी मुझे देख रहे हैं, सभी का ध्यान इधर ही है। ऑल आइज आर ओन का मतलब वॉचिंग अटेंटिवली, एवरी वन पेज अटेंशन टू, ठीक है। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो सभी स्टूडेंट की ऑल आइज आर ओन द बोर्ड। एन आई फॉर एन आई, आप देखो आई, आई के लिए, आंख के लिए, यानी आंख, आंख के लिए, यानी जैसे को तैसा, ठीक है ना, जैसे को तैसा मतलब टिट फॉर टैट। जस्टिस दैट रिवेंजफुल, जस्टिस दैट इज रिवेंजफुल, यानी न्याय करना, न्याय जिसमें प्रतिशोध हो, ठीक है, प्रतिशोध हो, यानी टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा, यानी तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने भी ऐसा कर दिया। आई फॉर एन आई, यानी आंख के बदले आंख, टिट फॉर टैट। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंख का एप्पल हो जाना, यानी बहुत प्यारा होना, ठीक है ना, तो वेरी लवेबल और डियरेस्ट, है ना, मम्मी का, ये कहते हैं ना बेटा, मम्मी का क्या होता है, एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ हिज हर आइज, यानी उसकी आइज का, आंखों का तारा है, दुलारा है, प्यारा है, एवरी वेरी लवेबल है और डियरेस्ट है। अर्गस आइड, अर्गस आइड का मतलब है पैनी नज़र होना, बिल्कुल तीखी नज़र होना, यानी ऑब्जर्वेंट बोल सकते हैं, वेजिलेंट बोलते हैं, विजिलेंट इसी से बना है, विजिलेंट से, विजिलेंट मतलब चौकस हो जाना, यानी पूरी पैनी नज़र रखना अपनी, ये कहते हैं ना, वो तो तेज है भाई, तेज है मतलब एंगस आइड है उसकी, अर्गस, सॉरी अर्गस आइड है। ब्लैक आई का मतलब क्या होता है, शर्म की निशानी, ए मार्क ऑफ शेम, ब्लैक आई का मतलब है कि ए मार्क ऑफ सेम, मोस्टली ब्लैक को सेम के लिए ही यूज किया जाता है। ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड बॉय का मतलब है कि ए पर्सन ऑफ वन इज फेवरेट फॉर अदर, ब्लू आई का मतलब होता है कि बहुत प्यारा लगना, यानी फेवरेट हो जाना, ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति जो सभी का फेवरेट हो, ब्लू आइड बॉय बोलते हैं कि ये तो ब्लू आइड बॉय है सभी के लिए, ठीक है ना, सभी का फेवरेट है। कैच
समवंस आई, कैच समवन आईज, यानी किसी की आईज को कैच करना, यानी मतलब क्या हुआ इसका, अट्रैक्ट समवन अटेंशन, आई का मतलब अटेंशन को, मतलब सभी की अटेंशन, सभी का ध्यान को आकर्षित कर लेना अपनी ओर, ठीक है, कैच समवन आई, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन पूछे, पूरी क्लास आंसर ना दे और एक बच्चा खड़ा होकर आंसर दे दे, तो इसका मतलब कैच समवन आई, उसने क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर लिया। क्राई यूवर आईज आउट, क्राई यूवर आईज आउट, यानी आंख चिल्लाए, इसका मतलब क्या हुआ, क्राई हार्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक रोना, क्राई हार्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ईगल्ड आई, ईगल, ईगल क्या होता है, ऊपर आसमान में उड़ता है और दूर से ही देख लेता है मेरा शिकार कहाँ है, तो यानी कीन आई सेट, तेज नज़र होना। आई वॉश का मतलब है धोखा देना, यानी उसने आई वॉश कर दिया, यानी डिसेप्शन कर दिया है, आंखों में दूर झोंक दिया है, धोखा दे दिया है। आईब्रो रेजिंग, यानी आईब्रो बोहें चढ़ा लेना एक तरह, आईब्रो रेजिंग का मतलब है कि समथिंग विच सरप्राइजिंग, एकदम से कुछ सरप्राइजिंग मिल जाए और शोक जाए ऑफेंड पीपल, यानी क्या हो जाए, आघात पहुँच जाए एकदम से कि क्या बोल दिया इसने। इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म, इन आई ऑफ स्टॉर्म का मतलब है कि डीपली इन्वॉल्व इन डिफिकल्टी, डिफिकल्टी में, स्टॉर्म क्या होता है, तूफान, तूफान में आईज रखना का मतलब क्या है, तूफान की आई, यानी डीपली इन्वॉल्व इन अ डिफिकल्टी, और कॉन्ट्रोवर्सियल सिचुएशन, यानी तुलनात्मक कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है सिचुएशन, विच अफेक्ट्स और इंटरेस्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल, यानी जो सार्वजनिक असहमति का मुख्य विषय हो। जॉन्डिस आई, जॉन्डिस आई, जॉन्डिस एक बीमारी है ना, कौन सी बीमारी है आप कमेंट में बताओगे मुझे, जॉन्डिस एक बीमारी होती है, ठीक है। अब जॉन्डिस आई का, जॉन्डिस आई का मतलब होता है टू लुक एट समबडी समथिंग विच आ प्रिजुडिस माइंड और बायस्ड, बायस्ड होता है पक्षपात करना, यानी पक्षपात कैसे भी होता है, जेंडर बेस हो सकता है, यानी अमीर का गरीब का हो सकता है, बायस्ड होता है पक्षपात करना, यानी इस तरह से हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि भेदभाव करना, हिंदी में बोल देंगे भेदभाव करना, बायस्ड, ठीक है, टू लुक किसी को मतलब पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण रखना, ठीक है, भेदभाव करना। कीप एन आई ऑन, किसी के ऊपर नज़र रखना, आई ऑन कीप रखना, आईज ऑन, ऑन मतलब उसी पर नज़र रखना का मतलब है कि टू कैच इट पीरियोडिकली या टू कीप इट सवीर, ये कहते हैं ना मेट्रो में कि आप सीसीटीवी कैमरे में सर्विलेंस हो, सर्विलेंस मतलब निगरानी रखी जा रही है आपसे, ठीक है ना, यानी किसी के ऊपर निगरानी रखना। कीप एन आई पील्ड ओपन, पील्ड या ओपन, कीप एन आई पील्ड या ओपन, या मतलब है बी ऑब्जर्वेंट या वॉच आउट फॉर समथिंग, यानी सचेत होना, आईज को ओपन रखना या पील्ड करना। पील क्या होता है, जैसे संतरा है, इसका छिलका उतार दिया तो पील ऑफ हो गया, ये पील, पील्ड मतलब उतारना, यानी सचेत रहना, आंखों को खोल के रखना, ठीक है। नॉट सी आई टू आई विद समबडी, यानी किसी का आई की आई ना देख पाना, यानी अलग विचार हो भाई, डिफरेंट ओपिनियन, विचार मैच नहीं हो रहे एक दूसरे के। पुल वूल ओवर समबडीज आई, वूल क्या होती है, ऊन, पुल वूल ओवर समबडीज आई का मतलब है टू मिसलीड, धोखा देना, चीट करना, डुपे करना, डुपे मतलब धोखा देना, और डिल्यूड करना, डिल्यूड भी धोखा करना या मिसलीड करना, यानी उसको गलत दिशा में डायरेक्शन करना, यानी पुल वूल, वूल कौन देता है आंखों में, कोई नहीं देता, ओवर आइज, आइज में, ठीक है। तो इसका मतलब होता है वूल, वूल आंखों का और वूल का कोई रिलेशन ही नहीं है, वूल होती है ऊन और आंखें, आंखों का और ऊन का तो कोई संबंध ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि मिसलीड किया जा रहा है, चीट किया जा रहा है हमारे साथ, डुपे किया जाता है, धोखाधड़ी की जा रही है, दोगला हो रहा है और डिल्यूड हो रहा है, यानी धोखा एक तरह से। सी आई टू आई, आंखों से आंखों में देखना, यानी पूर्ण तरह सहमत होना, यानी ये कहते हैं ना मेरी तरफ देख, पेरेंट्स बोलते हैं ना मेरी तरफ देख, यानी सहमत होना, आई टू आई का मतलब है कि सहमत होना, और आई से आई ना मिलना, असहमत होना, यानी अलग विचार होना। शोइंग एग्रीमेंट, यानी टू एग्री, सहमत होना कि हाँ बात सही है, मैं भी एग्री हूँ, कहते हैं कि छुट्टियों में टूर पे चले सभी, हाँ मैं भी एग्री हूँ, इसका मतलब सी आई टू आई। सी समथिंग आउट ऑफ कॉर्नर ऑफ योर आईज, अपनी आईज के कॉर्नर से देखना, यानी यूज प्रीहर्शियल विजन, यूज प्रीहर्शियल विजन, यानी जो भी आपका दृष्टिकोण है पहले से ही उसका ही प्रयोग करना, यानी कोने से देखना। आगे है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब है जेलस होना, ईर्ष्या करना, और ब्लू आइड क्या होता है, सबका प्यारा होना, और ब्लैक आई सेम शर्म होना, और ग्रीन आइड का मतलब जेलस होना, यानी ईर्ष्या करना। टू बी एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का एप्पल होना, यानी किसी का प्यारा होना, यानी आंखों का तारा होना, ठीक है। टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, किसी की आंखों में डस्ट थ्रो करना, यानी आंखों में धूल झोंकना, यानी आंखों में धूल झोंकना, डिसीव करना, धोखा देना या मिसलीड करना, डुपे करना, है ना, ये तो आसान ही है, थ्रो फेंकना डस्ट, आंखों में डस्ट डालना यानी धोखा देना। टर्न ब्लाइंड आई, ब्लाइंड आई को घुमाना, यानी अनदेखा करना, टू इग्नोर अ सिचुएशन, कोई भी स्थिति है, कोई फैक्ट है, कोई तथ्य है, कोई रियलिटी है, उसको ही इग्नोर करना, यानी टू टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी हमारी तो आंखें बंद है उसकी तरफ, हमने देखा ही नहीं, ठीक है। अप टू द आईज, अप टू द आईज का मतलब है, मतलब आंखें उसी पर रखना, मतलब बहुत व्यस्त होना, ठीक है ना, एक्सट्रीमली बिजी, अप टू आईज का मतलब एक्सट्रीमली बिजी, या ये भी कह सकते हैं टू हैव अ लॉट ऑफ डील विद, की बहुत सारी डीलिंग है मेरे पास। तो वेंडरिंग आईज, वेंडरिंग क्या होता है, बिना काम के घूमना, वेंडरिंग आई, वेंडरिंग आई का मतलब यहाँ पे क्या है, टेंडेंसी टू लुक एट और डिजायर विमेन और मैन अदर देन वंस कमिटेड रोमांटिक पार्टनर,
यानी दूसरी महिलाओं या पुरुषों को देखने की चाह की प्रवृत्ति रखना है, यानी वंडरिंग आईज, उसकी आंखें भटक रही है भाई, उसकी शादी हो गई अपनी वाइफ को देखने की बजाय दूसरी लड़कियों को देख रहा है, या किसी की शादी होगी वो औरत अपने पति को बजाय दूसरों को देख रही है, यानी उसका मतलब है कि वंडरिंग आई है, यानी वो क्या है टेंडेंसी ऑफ लुक एट और डिजायर करना वीमेन की और या मैन की अदर वंस कमिटेड रोमांटिक पार्टनर। ऑल आइज का मतलब है कि डीपली अटेंटिव, पूरे ध्यान से, ये तो पहले भी आ चुका है, डीपली अटेंटिव, पूरी गहराई से अटेंटिव करना, यानी टू ईयर, सॉरी आइज का भी मतलब यही था अटेंटिव होना, ये ईयर स्टार्ट हो गया है, ईयर का मतलब एक पूरे ध्यान से सुनना, डीपली अटेंटिव, पूरे ध्यान से सुन रहा है टीचर जो बोल रहा है। चिल्ड्रन शुड बी सीन और नॉट हियर्ड, सीन तो हो रहा है लेकिन हर्ड नहीं हो रहा, सुन नहीं रहा, यानी चिल्ड्रन शुड नॉट टेक स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट, यानी बच्चों को जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, चिल्ड्रन शुड बी सीन, सिर्फ देखते रहना चाहिए, नॉट हियर्ड, यानी बच्चों को जो व्यस्त लोग की उपस्थिति में नहीं बोलना चाहिए, बड़े जब बात कर रहे हो तो बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ का मतलब है कि धरती के चारों कोनों के बारे में, यानी इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, ये कहते हैं उसको तो सारे चारों कोने पता है अर्थ के, यानी अर्थ कॉर्नर्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। गिव ईयर टू, ये बोलते हैं ना कि लिसन टू मी, ध्यान से सुनो, यानी मुझे सुनो, तो यानी इसको ये बोल सकते हैं गिव ईयर टू, यानी हम अपनी बात को थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाए तो लिसन तो सभी यूज करते हैं, हम बोलते हैं गिव ईयर टू, गिव ईयर टू मी मतलब ध्यान से सुनो मुझे। गिव समवन एन ईयरफुल, गिव समवन यानी गुस्से में राय व्यक्त करना, गिव समवन एन ईयरफुल का मतलब टू एंग्रीली एक्सप्रेस एन ओपिनियन टू समवन, यानी गुस्से में अपनी बात को कहना। लैंड ईयर का मतलब टू लिसन अटेंटिवली, ध्यान से सुनना। म्यूजिक टू वंस ईयर का मतलब हैप्पी टू ईयर, अब म्यूजिक को सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, हैप्पी टू ईयर, म्यूजिक टू ईयर मतलब हैप्पी टू ईयर। प्ले इट बाई ईयर, यानी कानों से प्ले करना, प्ले खेल कैसे ईयर से, यानी स्थिति को समझना। टू रिस्पॉन्ड सर्कमस्टांसिस क्या होती है, परिस्थितियाँ। इंस्टीट ऑफ हैविंग अ फिक्स्ड प्लान की परिस्थिति को समझते हुए योजना बनाना, यानी पहले अपनी सिचुएशन देख लेना कैसी है फिर योजना बनाना, यानी प्ले इट बाई ईयर। पॉइजन समवन्स ईयर, ये तो बहुत फेमस है कि किसी की कान में जहर घोलना का मतलब चुगली करना, ठीक है ना, उसके पास जाकर उसके कान भर दिए, ये बोलता है ना, उसके तो कान भर दिए, फिर वो उसने लड़ाई कर ली मेरे साथ, यानी पॉइजन वंस ईयर, टू स्पीक अगेंस्ट वंस टू अनदर, यानी किसी को दूसरे के बारे में भड़काना। सेट बाय द ईयर का मतलब है लड़ाई करना। टू क्योज या टू डिस्प्यूट और क्वर्ल, क्योज टू डिस्प्यूट और क्वर्ल, यानी झगड़े का कारण, या डिस्प्यूट भी झगड़ा होता है मनमुटाव, और क्वर्ल भी झगड़ा होता है। द वॉल्स हैव ईयर, ये कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है ना भाई, आराम से बोल, दीवारों के भी कान होते हैं, यानी पड़ोसी सुन लेंगे। मे बी ओवर हीयर सो बी केयरफुल व्हाट यू से, ये जो भी कह रहे हो ना, ताकि दूसरों के कान में ना जाए, आराम से बोलो, यानी कहना है दीवारों के भी कान होते हैं भाई। टू बी अ चार्म्ड लाइफ का मतलब लकी होना, चार्म्ड मतलब आकर्षक लाइफ होना, यानी इसका मतलब क्या होता है कि टू बी लकी एज इफ प्रोटेक्टेड और हेल्प बाई म्यूजिक, यानी भाग्यशाली होना, कोई जादुई शक्ति की तरह। टू टर्न अ डीफ ईयर, डीफ मतलब बहरे हो जाना, उसमें आइज के लिए क्या था, ब्लाइंड हो जाना, यानी अनदेखा कर देना, यहाँ पर अनसुना कर देना, ठीक है ना, जैसे हमने सुना ही नहीं। टू पे नो हियर या नेग्लेक्टेड, कई बार हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा पानी लाइए मेरे लिए, या बेटा ये करके दिखाना, तो जैसे सुना ही नहीं उसने, इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, पे नो अटेंशन, कोई ध्यान ही नहीं देते, यानी इसको बोल सकते हैं टू टर्न अ डीफ ईयर, उसने अपना ईयर को डीफ कर लिया, टू अ डीफ। वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट होता गीला, बिहाइंड द ईयर, ईयर के पीछे पानी होना, यानी अनुभवहीन होना, ठीक है ना, अनएक्सपीरियंस्ड या इमेच्योर, यानी मतलब मेच्योर नहीं हुआ है, इमेच्योर है, और टू न्यू टू समथिंग, किसी चीज़ के लिए नया है भाई, अभी नया नया है, उसको ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड है, इमेच्योर है, या न्यू टू समथिंग। अब माउथ से रिलेटेड देख लेते हैं, माउथ से रिलेटेड कौन कौन से हैं, माउथ यानी मुंह, ठीक है, ऑल माउथ एंड नो ट्राउजर्स, मतलब बहुत सारी डेंगे मारना लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है, माउथ के लिए, माउथ का मतलब, माउथ का यूज किस लिए करते हैं हम, बोलने के लिए, नो ट्राउजर्स यानी वन हैव एंगेज इन एम्प्टी बोस्टफुल टॉक बट डू नथिंग, यानी डज नथिंग, कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, सिर्फ ये कहते हैं ना थोथा चना बाजे घना, वही है। बैड टेस्ट इन वंस माउथ, बैड टेस्ट इन वन माउथ का मतलब है टू फील और डिसगस्ड, यानी कहते हैं ना हाउ डिसगस्टिंग, यानी बुरा, एक तरह से गंदा महसूस करना, टू फील बैड डिसगस्टिंग। टू बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, ये कहते हैं ना वो तो चांदी की चम्मच से पैदा हुआ, यानी अमीर घर में पैदा होना, टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली, यानी उसका तो जन्म हुआ था तभी सिल्वर स्पून थी उसकी माउथ में, यानी अमीर घर में पैदा हुआ है वो तो। बाई वर्ड्स ऑफ माउथ, बाई वर्ड ऑफ माउथ का मतलब है बाई पर्सनल कम्युनिकेशंस रैदर दैन रिटन मीडिया, यानी मौखिक, लिखित नहीं होना, सिर्फ मौखिक, सिर्फ कम्युनिकेशन,
बाय वर्ड ऑफ माउथ, यानी सिर्फ उसके माउथ के वर्ड्स है, लिखित रूप में कुछ भी नहीं है। फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी एक तरह से ये कहते हैं ना ऊँट के मुँह में जीरा, हैंड टू माउथ यानी प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल्स, केवल गुजारा भर जो एसेंशियल्स नीड है ना, रोटी पानी कपड़ा वही मिल रहा है बस, हैंड टू माउथ। लोइंस माउथ, लोइन भाई बहुत क्या होता है, डेंजरस होता है, लोइंस माउथ का मतलब है डेंजरस सिचुएशन। अगर लोइंस एयर आ जाए तो बहुत बड़ा शेयर, मतलब ज़्यादा मात्रा में, लोइंस माउथ आया है, माउथ का मतलब खतरनाक सिचुएशन। मेनली माउथड, मेनली माउथ का मतलब है कि स्पष्ट बोलने से डरने वाला, कई लोग होते हैं ना कि नहीं बोल पाते, घुमा फिरा के बातें करते हैं या बोलते नहीं। मेनली माउथ का मतलब है अनविलिंग टू स्टेट समथिंग फ्रेंकली, जो फ्रेंकली कुछ ना, अफ्रेड टू स्पीक बैक, यानी सच्चाई बोलने से, स्पष्ट रूप से बोलने से डरता हूँ, उसको बोलेंगे मेनली माउथ, माउथ है। माउथ वाटरिंग यानी मुँह में पानी आ जाना, मुँह में पानी आ जाएगा क्या होगा भाई, कोई चीज़ स्वादिष्ट लगना, स्टेमुलेटिव वंस, जैसे कुत्ते को खाना दिख जाए उसकी लार टपकने लग जाती है, बच्चों को भी चीज़ें दिख जाए तो मतलब स्वादिष्ट चीज़ों को देखकर मुंह में पानी आ जाता है। पुट वंस फिट इन वंस माउथ, अब देखो फुट को, पैर को मुंह में रखना, ये तो कोई बात हजम नहीं हुई, मुंह में पैर कैसे आएगा, यानी ये तरह से ये सिचुएशन क्या है, डिंग मारना है फिर शर्मिंदा होना। टू से समथिंग दैट यू इमीडिएटली रिग्रेट, यानी तुरंत उसको पछतावा हो जाए आपको, यानी इतनी एकदम से इतनी बोर काट दी, इतनी डिंगे मार दी कि तुरंत आपकी पोल खुल गई और आपको शर्मिंदा होना पड़े, रिग्रेट होना पड़े, वो होता है पुट वंस फुट, यानी पुट रखना माउथ में। रन वंस माउथ, रन वंस का मतलब था कि बहुत ज़्यादा बात करना, यानी माउथ बहुत रन कर रहा है, माउथ रन कर रहा है क्या मतलब, माउथ क्या करेगा, बोलेगा टू टाक आई लोट, बहुत सारी बातें करना, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, हॉर्स के माउथ से स्ट्रेट होना, यानी विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिलना। टू हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैड पर्सनल नॉलेज, जिसको पर्सनल नॉलेज हो, फ्रॉम रिलायबल सोर्स, यानी विश्वसनीय स्रोतों से मिली जानकारी, यानी जो हमें लगता है हमें विश्वास हो उनसे जो जानकारी मिलती है वो बोलते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हाउस माउथ, हॉर्स माउथ यानी हॉर्स के माउथ से सीधा आया है, यानी सही जानकारी है। टू फॉर्म, फॉर्म मतलब झाग बनाना, ये कहते हैं ना फॉर्म क्रिएट नहीं हो रही है, ये तो शैम्पू पता नहीं कैसा मतलब। एट वंस माउथ यानी इसका मतलब वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में होना, यानी मुँह में झाग बनना यानी बहुत गुस्से में होना, आग बबूला होना, ठीक है ना। हार्ट, हार्ट से रिलेटेड देख लेते हैं, हार्ट क्या होता है, दिल, और दिल की बातें क्या होती हैं, विचार। अ चेंज ऑफ हार्ट का मतलब है कि उसके विचारों में क्या हो गया, चेंज हो गया। आफ्टर वंस हार्ट, आफ्टर वंस ओन हार्ट, किसी के मन की बात करना, ठीक है ना, मन की बात। शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यू, किसी के टेस्ट को जानना, किसी के विचारों को जानना, मन की बात को जानना, होता है आफ्टर वंस हार्ट। बेयर वंस हार्ट या बेयर वंस सोल भी बोल सकते हैं, बेयर बेयर हिज सोल, बेयर हिज हार्ट, इसको मतलब कन्फेस वंस डीपेस्ट सीक्रेट, यानी जो वो उसके रहस्य है, फीलिंग है, उसको जान लेना, यानी दिल की बात जान लेना। अब देखो चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड क्या होता है, चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड मतलब कायर, यानी ये कहते हैं चूजे जैसा दिल है इसका, चूजे मतलब जो भी उसका मुर्गी का बच्चा होता है ना, यानी लैकिंग कोरेज, इसमें करेज ना हो, साहस ना हो, कवर्डली कायर हो। ईट वंस हर्ट आउट, ईट वंस हर्ट आउट का मतलब चिंतित होना, यानी ये कहता है ना मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मेरा तो हर्ट बैठा जा रहा है, यानी वरी हो रही है, चिंता हो रही है, टू बी सैड या सैड हो रहे हैं, या बी जेलस, या जेलस में भी कर सकते हैं कि मेरा तो ईर्ष्या में कि वो इतना सक्सेसफुल हो गया, मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे जेलस फील हो रही है, यानी ईट वंस हर्ट, मेरा तो दिल खाया जा रहा है, ठीक है। फेंटेड हर्टेड का मतलब है कमजोर, ठीक है, कि मेरा तो दिल फेंट हो रहा है, बेहोश हो रहा है, यानी टिमिड है, डरपोक है। फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट का मतलब है निर्णय लेना, ठीक है, फॉलो योर हार्ट, निर्णय लेने के लिए तैयार होना, यानी रियली वंस डीपर फीलिंग और इंटेंस दैट मेक अ डिसीजन, यानी निर्णय लेने के लिए जो अपनी भावना को, भावना पर निर्भर रहना। फ्रॉम बॉटम टू वंस हार्ट, बॉटम मतलब तली, यानी दिल की गहराई से, यानी सच्चे दिल से, सिंसियरली। गो टू वंस हार्ट, किसी के हार्ट में जाना, यानी टच वन डीपली, गहराई से छू लेना। हेल और हार्टली का मतलब हेल्दी, हेल एंड हार्टली मतलब चुस्त तंदुरुस्त है, बहुत हेल्थी है वो, हेल एंड हेल्थी है भाई, मेरा दोस्त क्या है, हेल एंड हेल्थी है, सॉरी हेल्थी नहीं, हार्टली, हार्टी है, हेल एंड हार्टी मतलब हेल्दी है। हार्ट टू हार्ट टाक, हार्ट टू हार्ट टाक का मतलब है फ्रेंकली टाक, यानी कैंडिड, स्पष्ट बात करना, स्पष्ट बात हो रही है, यानी दिल की बात, हार्ट टू हार्ट यानी दिल से दिल में जा रही है, यानी स्पष्ट बात हो रही है, जो दिल में उसके उसने कह दिया, यानी स्पष्ट हो। टू हार्ट बीट, हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट धड़कती है ना सेकंड में, इमीडिएटली तुरंत हो जाना, ये नो टाइम यानी नो शेक, यानी पलक झपकते ही बात हो जाना, यानी पलक झपकते क्या हो जाती है, दूसरी धड़कन आ जाती है, हार्ट बीट, इन हार्ट बीट मतलब पलक झपकते ही। लर्न बाय हार्ट यानी कंठस्थ याद कर लेना, ये कहते हैं ना मुझे बनी याद करके दिखा, तो वो होता है लर्न बाय हार्ट। सेट वंस हार्ट ऑन, सेट वंस हार्ट ऑन मतलब बहुत चाहना, यानी लक्ष्य लेना, लक्ष्य प्राप्त करना, हार्ट ऑन। स्ट्राइक और स्ट्राइक अ चिल टू द हार्ट मतलब दिल में डर पैदा हो जाना, स्ट्राइक कर जाना, यानी कहते हैं ना उसके दिल में स्ट्राइक कर गई, ये तो बात है, यानी अराउज फियर, फियर डर पैदा हो गया उसके दिल में। टेक हार्ट, टेक हार्ट का मतलब है हिम्मत करना, ये कहते हैं ना कि हिम्मत कर, टेक हार्ट यानी कोरेज दिखा, गेन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ला अपने अंदर, तू कर सकता है, टेक हार्ट। टू बियर वंस सोल या टू बियर वंस हार्ट, ठीक है ना, इसका मतलब होता है दिल से बात करना,
टू रिवील वंस इनर मोस्ट थॉट, उसके अंदर के जो थॉट है वो दिखाना. टू हैव वंस हार्ट इन द राइट प्लेस, सही जगह पर, सही स्थान पर अपने हार्ट को दिखाना, मतलब टू हैव काइंडली और सिंपैथाइटिस डिस्पोजिशन, यानी दयालु और सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव दिखाना अपना. टू वंस हार्ट इन, टू वंस हार्ट कंटेंट, कंटेंट क्या होती है, मतलब संतुष्टि प्राप्त होना, कि हार्ट की संतुष्टि क्या होना, यानी जी भर के, एज मच एज वन वांट. अब गर्मी में बहुत प्यास लगी है, जी भर के पानी पी लिया भाई उसने, मतलब हार्ट कंटेंट हो गया, यानी उसको दिल को संतुष्टि मिल गई जी भर के. टू पुट वंस हार्ट एंड सोल इन टू समथिंग, यानी हार्ट और सोल सभी लगा दिया, तो इसका मतलब है पूरे तन मन से काम किया है, पूरी एनर्जी के साथ, इंटरेस्ट और एनर्जी दोनों यूज़ किए हैं, मतलब पूरा इंटरेस्ट भी दिखाया और एनर्जी भी दिखाई, इसका मतलब हार्ट भी दिखाया और सोल भी दिखाया. टू टेक टू हार्ट, टेक टू हार्ट मतलब दिल पर ले लेना. टू ग्रीव ओवर, दुखी हो जाना, यानी दिल पे मतलब, ये कहते हैं ना दिल पे मतलब, भाई किडनी पे लो, दिल पे. टू टेक टू हार्ट का मतलब कि दिल पर ले लेना, कि बहुत प्रभावित होना, ये बात उसने दिल पे ले ली और ये हो गया, ऐसे बोलते हैं. टू वियर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव, अब देखो एक्सप्रेस वंस ओपनली. टू वियर वंस हार्ट और स्लीव, यानी उसने कहा था कि दिल खोल कर रख देना, कि अपनी भावनाओं को खुल कर बता देना. टू वियर वंस हार्ट, अपने हार्ट को ऑन वंस स्लीव पूरी तरह से खोलकर, एक्सप्रेस वन फीलिंग ओपनली, ओपनली अपनी फीलिंग बता दिया कि मेरे दिल में तो भाई ये बात है, अब अपनी सुना दी वो. टच वन हार्ट, किसी के हार्ट को टच कर लेना, यानी हृदय को छू लेना, ठीक है, इमोशनली. अब फिंगर, फिंगर देख लेते हैं, फिंगर से क्या फ्रेजेस बनते हैं. फिंगर का मतलब है देखो, एट वंस फिंगर एंड, या वंस फिंगर टिप, टिप्स पे है भाई ये बात तो, मतलब पूरी तरह से जानकारी है इसको, फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स पे है ये बात तो, इसकी फिंगर टिप्स मतलब पूरी जानकारी है. एट वंस फिंगर टिप, वंस फिंगर टिप्स मतलब पूर्ण जानकारी होना, वही बात है. बोर्न वंस, सॉरी बर्न, बर्न वंस फिंगर का मतलब है खुद को नुकसान कर बैठना. क्लोज योर फिंगर, अपनी फिंगर, सॉरी क्रॉस योर फिंगर, क्रॉस योर फिंगर का मतलब है कि आशा करना कि चीज़ उस तरह की होगी जैसे आप चाहते हो, यानी क्रॉस योर फिंगर, होप दैट थिंग्स विल हैपन इन अ वे दैट यू वॉन्ट टू, जैसे आप चाहते हो उनको. फिंगर पॉइंटिंग, फिंगर पॉइंटिंग का मतलब है कि किसी की तरफ पॉइंट करना, उंगली को किसी की तरफ पॉइंट कर लिया कि यही बंदा है वो जिसने किया, यानी टू ब्लेम, किसी को ब्लेम करना, किसी पे इल्जाम लगाना, किसी की तरफ ईयर पॉइंटेड करना. Have finger in every pie. Every pie का मतलब है एक से अधिक काम करना. To involve in large and varied activities. कई, every pie का मतलब कई चीज़ों में इन्वॉल्व होना, एक से ज़्यादा. Have finger in the pie का मतलब है कि किसी कार्य में शामिल होना, वहाँ पे तो एक से अधिक काम में फंसा होना. Have finger in every मतलब सभी कामों में, मतलब ज़्यादा, एक ज़्यादा कामों में, एक से अधिक कामों में फंसा होना. यहाँ pie का मतलब है कि किसी काम में फंसा होना, एक काम में फंसा होना. ग्रीन फिंगर, देखो ग्रीन आई का मतलब होता है, क्या था ग्रीन आई का मतलब, ग्रीन आई का मतलब क्या था, ब्लैक आई का मतलब क्या था, ब्लू आई का मतलब क्या था, सभी कमेंट में आपने लिखना है. अब यहाँ पे बताना हैव ग्रीन फिंगर, हैव ग्रीन फिंगर क्या मतलब है कि टू बी गुड इन एट गार्डनरिंग, यानी बागवानी में निपुण होना. और वहाँ पर नेगेटिव सेंस थी आई के लिए. नो लिफ्टेड फिंगर, नो लिफ्टेड फिंगर का मतलब मदद के लिए कुछ ना करना, नथिंग टू हेल्प, कुछ भी नहीं करना मदद के लिए, नो लिफ्ट अ फिंगर. पॉइंट फिंगर, पॉइंट फिंगर का मतलब वही ब्लेम करना. स्नैप वंस फिंगर एट का मतलब है टू डिसमिस विद कंटेम्प्ट, यानी अपमानजनक तरीके से किसी के अवेल ना करना. स्नैप सम वंस फिंगर प्रिंट आर ऑल ओवर, मतलब समथिंग इन्फ्लुएंस्ड इट एविडेंट, किसी भी करने को दिखाना. स्टीयर एट फिंगर, स्टीयर एट फिंगर का मतलब टू मेक एन एफर्ट, टू मेक एफर्ट, कोशिश करना. स्टीयर फिंगर, एक उंगली तो डाल के देख, यानी काम करके तो देख. टू बर्न वन फिंगर, टू बर्न वन फिंगर ये पहले आ चुका है शायद. टू सफर फाइनेंशियली लॉसेज, नहीं यार, मतलब फाइनेंशियली लॉस को सहन करना, बर्न करना. वन फिंगर, वन फिंगर यानी उसका हाथ तंग है भाई, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी खुद को हानि होना. टू बर्न करना, अपनी फिंगर को ही बर्न करना, अपनी उंगली को ही जला लेना, यानी फाइनेंशियली लॉस होना, सफर करना. टू हैव वंस फिंगर टिप, भाई मुँह जुबानी याद होना, बेजुबानी याद होना, ठीक है, फिंगर टिप्स का मतलब याद होना. अब देख लेते हैं नोज, नोज से रिलेटेड क्या क्या बनेंगे. कट ऑफ योर नोज टू स्पाइट योर फेस, यानी स्वयं को नुकसान होना, ये नहीं कहते हैं नाक की बात हो गई, ये तो नाक की बात हो गई, यानी घमंड में बोलते हैं इसको. टू एक्ट इन अ प्राउड वे, ऐसे गर्व से प्राउड वे में कहना. अल्टीमेटली डैमेज योर ओन क्लोज, जो अपने क्लोज को क्या करें, डैमेज करें घमंड में, यानी खुद को नुकसान पहुंचाना. टू फॉलो वंस नोज का मतलब नाक की सीध में चलना. टू गो स्ट्रेट, फॉलो वंस नोज मतलब बिल्कुल सीध में चलना. हैव नोज फोर, हैव नोज फोर का मतलब है कि खोजने की प्रतिभा होना, ठीक है. टू हैव योर नोज इन द एयर, नोज इन द एयर का मतलब है कि घमंडी रवैया रखना, ठीक है. इन नो स्किन ऑफ समवंस नोज, अब स्किन ऑफ हो जाए, नो स्किन ऑफ वंस नोज का मतलब है कि किसी इंडिविजुअल को प्रभावित ना होना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है. नो स्किन ऑफ समवंस नोज, यानी बोलते हैं ना यूज्ड व्हेन यू वांट टू से, अब इसको कब यूज करते हैं, जब आप कहना चाहते हो. इट मेक नो डिफरेंस टू यू एंड व्हाट समवंस एल्स डज और थिंग, यानी कोई और कहता है और तुम्हारे अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है. कीप वंस नोज क्लीन, अपनी नोज को क्लीन करना, मतलब कैसी ऐसी स्थिति से बचना जिसमें बेईमानी करनी पड़े,
यानी अपनी नोज को क्लीन रखो। नोज का मतलब ही एक तरह से रेपुटेशन हो जाता है कि अपनी मतलब रिस्पेक्ट बनाए रखना, नाक की बात है, नाक की बात यानी रिस्पेक्ट की बात है। टू कीप वंस नोज का मतलब है कोल्लू के बैल की तरह जुटे रहना, यानी बहुत हार्ड वर्क करना। टू कीप वंस नोज टू द ग्रीन स्टोन, ग्रीन स्टोन क्या मतलब है, टू वर्क हार्ड ऑन समथिंग इन अ रिपीटेटिव और टेडियस, टेडियस मतलब थका देने वाला, पूरा बैल लगे रहते हैं ना, थक जाते हैं बेचारे। लैंड सम वंस बाय नोज, सॉरी लीड सम बाय, लीड सम वन बाय नोज, किसी को लीड करना यानी किसी के पूरे नियंत्रण में रखना। ये कहते हैं ना उसकी पत्नी ने तो उसको अपनी नाक पे नचा रखा है, यानी टू लीड, लीड सम वंस बाय नोज यानी पूर्ण नियंत्रण में होना, पूरा किसी के ऊपर पूरा डोमिनेट रखना, ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल रखना एक तरह से। ऑन द नोज, ऑन द नोज का मतलब है कि सही समय पर, प्रीशियसली एंड एग्जैक्ट टाइम बोल सकते हैं। पाउडर वंस नोज, पाउडर वंस नोज यानी महिलाओं के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वाक्य है, जब उसे बाथरूम में जाना हो। पाउडर वंस नोज टू यूज, ये मैंने आज ही सुना है, विमेन के द्वारा यूज रहती है रेस्ट रूम में जाना हो तो। रब, रब समवंस नोज इन, रब, रब करना यानी बार बार अपनी नाक को खुजलाना, रब करना नोज को यानी किसी की गलती को बार बार बोलकर उसकी आलोचना करके अपमानित करना, ठीक है। अब स्टिक योर नोज इनटू समथिंग, किसी मामले में हस्तक्षेप करना यानी स्टिक योर नोज, किसी के दूसरे के मामले में इंट्रूड करना यानी बिना काम के, आपकी जरूरत भी ना हो तो भी इंट्रूड करना, हस्तक्षेप करना। ट्रस्ट, थ्रस्ट, थ्रस्ट पोक, पोक मतलब झांकना, थ्रस्ट भी ऐसी तरह की, टू वंस नोज इनटू मतलब किसी की नोज में झांकना का मतलब है कि वैसे इंटरफेयर करना, दखल देना, मिडल करना। टू लीड बाय, टू बी लेड बाय द नोज, लेड बाय नोज मतलब बिल्कुल फॉलो, सम यूजुअली करना, विनम्रता से करना। टू लुक डाउन वंस नोज, टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट यानी तुच्छ समझना। टू पे थ्रो वंस नोज, टू पे थ्रो वंस नोज का मतलब भारी कीमत चुकाना, उसने पे करना पड़ा, थ्रो वंस नोज, वन नोज मतलब भारी कीमत चुकानी पड़ी। टर्न अप, टर्न अप टू वंस नोज, टर्न अप वंस नोज का मतलब है नाक चढ़ाना, टर्न करना, अपनी नाक को चढ़ा लेना, तिरस्कार करना एक तरह से। अंडर द नोज यानी आंखों के सामने होता है ना, नाक के नीचे से निकल गया भाई, वो पता ही नहीं चला उसका। अंडर द नोज ऑफ, अंडर द नोज ऑफ मतलब नाक के नीचे से निकल जाना यानी आंखों के सामने से कुछ चीज़ हो जाना। वाइप द नोज ऑफ का मतलब है कि वंचित रहना। अब अगर टिथ, टिथ से रिलेटेड देख लेते हैं कौन कौन सी फ्रेजेस बनती हैं। आर्म टू द टिथ, आर्म टू द टिथ मतलब कई हथियारों से लैस। बाय स्किन ऑफ वंस टिथ, स्किन का मतलब बहुत कम अंतर, बहुत कम अंतर होता है ना दांतों की स्किन में। कट योर टीथ ऑन समथिंग यानी अनुभव हासिल करना, कट योर टीथ ऑन समथिंग। नैश, ग्नैश योर टीथ का मतलब है कि दांत पीसना। ग्रैंड योर टीथ या ग्रैंड वंस टीथ, ग्रैंड, ग्रैंड मतलब एक तरह से पीसना, दांत पीसना, दांत कब पीसेंगे, गुस्से में होंगे तब, है ना, गुस्सा होना। इन टीथ ऑफ, इन टीथ ऑफ मतलब प्रत्यक्ष विरोध करना, सबसे इन टीथ ऑफ मतलब सीधा विरोध करना। लाइक पुलिंग टीथ मतलब बेहद मुश्किल, टीथ को पुल करना यानी दांत को निकालना बहुत मुश्किल है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। सो ड्रैगन स्टिक, ड्रैगन के ट्रीथ को सो करना, बिजाई करना यानी भविष्य के लिए परेशानी इकट्ठा करना, ठीक है ना। अब बिजाई करेंगे तो क्या होगा, पौधा बाद में उगेगा, यानी ड्रैगन के ट्रीथ को बिजाई कर रहे हैं यानी भविष्य के लिए परेशानी कर रहे हैं, ठीक है। टीथ ऑन द एज यानी चिढ़ना, इरिटेट होना। टीथिंग प्रॉब्लम, टीथिंग प्रॉब्लम मतलब जो शुरू में प्रॉब्लम, न्यू प्रॉब्लम एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, कोई भी आपने नया प्रोजेक्ट शुरू किया और शुरू में ही परेशानी आ गई तो उसको बोलते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स। टू कट, टू कट वंस टीथ ऑन का मतलब है कि अनुभव हासिल करना, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस गेन करना। टू शो टिथ, टू अडेप्ट थ्रिएटनिंग एटीट्यूड, धमकी भरा रवैया अपनाना, टू अडोप्ट ऐसा अडोप्ट करना, थ्रिएटनिंग हो, थ्रिएटनिंग एटीट्यूड को अडोप्ट करना, अपनाना। टू शो टिथ मतलब टिथ शो करना यानी। लिप्स, लिप्स का, लिप्स के देख लेते हैं फ्रेजिस। लिप्स बटन वन स्लिप, बटन यूज टू स्टॉप यानी कहते हैं ना उसका चुप होने का बटन कौन सा है, बटन वन स्लिप का मतलब जुबान पर ताला लगाना। हैंग ऑन वन स्लिप, लिसन ईगरली और विद क्लोज अटेंशन यानी बातों को उत्सुकता से सुनना यानी होठ लटका के। हैंग ऑन वन स्लिप, होठों को बंद करके सुनेंगे कानों से तभी तो अटेंटिवली सुनेंगे। कीप आ स्टिफ अपर लिप्स, कीप आ स्टिफ अपर लिप्स का मतलब है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना। कीप स्टिफ योर लिप्स मतलब अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो। पे लिप सर्विस का मतलब है कि बिना कोई ठोस कदम उठाए किसी भी चीज़ का समर्थन करने की बात करना। पे लिप सर्विस, पे लिप सर्विस का मतलब है कि सिर्फ लिप्स की सर्विस देते रहना और कोई ठोस कदम मत उठाना, बस वैसे समर्थन करते रहना, हाँ भाई तू ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है, लेकिन मदद कुछ नहीं करना। टाइट लिप्ट, टाइट लिप्ट का मतलब है कुछ बताने को ही तैयार ना होना, बिल्कुल चुप रहना यानी कहता ना उसने तो अपने लिप्स को टाइटली बंद कर लिया, यानी टाइटली लिप्स का मतलब है कि कुछ भी बात ना बताना। जिप वन स्लिप, जिप वन स्लिप का मतलब भी चुप रहना यानी जिप लगा ली, चैन बंद कर ली भाई, चिप कर दिया, टू बी क्वाइट है, वो चुप है। आर्म, आर्म का दो अर्थ होते हैं, बाजू भी होते हैं। आर्म का मोस्टली हथियारों के लिए भी यूज़ करते हैं और स्ट्रेंथ शक्ति के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड आर्म चेयर, आर्म चेयर जॉब, आर्म चेयर का मतलब आसानी, अच्छी अच्छी आय वाली नौकरी।
ठीक है, आसान भी हो और इनकम भी अच्छी आती हो, उसको बोलते हैं कि उसको तो आम चेयर जॉब मिली है। आम चेयर जॉब मतलब अपनी आम चेयर देखते होंगे ना आपको, कुर्सी हिलती रहती है। आम चेयर क्रिटिक है, मतलब केवल सिद्धांत के आधार पर सलाह देना देने वाला व्यक्ति, जो व्यवहारिक ना हो, मतलब प्रैक्टिकल ना हो, सिर्फ एडवाइस देता रहो, सिर्फ थ्योरी पे बेस हो, आम चेयर क्रिटिक बोलते हैं उसको। अनकैंडिड, अनकैंडिड का मतलब है कि एक सामाजिक कार्यक्रम जिसमें एक शक्तिशाली और जो फेमस व्यक्ति होता है उसके साथ आकर्षक महिला अपने शस्त्र डाल देना, यानी आत्मसमर्पण कर देना, सरेंडर। ये तो अगला आ गया, एक सेकंड, ये इतना ही था। यानी अटेंटिव वुमेन अकंपनिंग अ पावरफुल और फेमस मैन इन अ सोशल इवेंट। आर्म कैंडी, आर्म कैंडी का मतलब है कि एक सामाजिक कार्यक्रम एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध व्यक्तित्व के साथ आकर्षक महिला। ले डाउन वंस आर्म, अपने आर्म्स को ले डाउन करना, डाउन कर देना यानी सरेंडर कर देना, ठीक है, आत्मसमर्पण कर देना। टू कीप एट आर्म्स लेंथ, टू कीप एंड आर्म लेंथ, आर्म की लेंथ तक रखना यानी दोस्ती न रखना, सिर्फ हाथ मिलाया और चल दिए यानी दोस्ती न रखना, दूरी रखना, दूर है भाई तू। ट्विस्ट समवंस आर्म यानी जबरन राजी करना, ट्विस्ट समवंस आर्म का मतलब कि जबरन राजी करना। अप टू, अप इन आर्म, अप इन आर्म मतलब कड़ा विरोध करना, अप इन आर्म मतलब टू बी एंग्री। वेलकम विद ओपन आर्म, ये कहते ना कि ओपन विद, बाहें फैला के स्वागत करना यानी गर्म जोशी से स्वागत करना। आगे नेक, नेक गर्दन, अ प्लेन इन द नेक, प्लेन इन द नेक का मतलब है कि ऐसा है नहीं आदमी, इरिटेटिंग पर्सन, ठीक है। ब्रीथ डाउन वंस नेक, ब्रीथ डाउन वंस नेक का मतलब है सिर पर सवार हो जाना। नेक एंड नेक, नेक एंड नेक का मतलब बराबरी का मुकाबला भाई, नेक एंड नेक बराबरी। नेक ऑफ द वुड्स, नेक ऑफ द वुड्स का मतलब है कि पर्टिकुलर एरिया, कोई विशेष क्षेत्र। स्टिफ नेक पर्सन का मतलब है ठींठ, घमंडी, ये कहता है स्टिफ नेक पर्सन है, उसकी गर्दन नहीं झुकने वाली, मतलब ये एरोगेंट है, घमंडी है। अप टू वंस नेक का मतलब है कि पूरी तरह से प्रभावित होना, अप टू वंस लेग। अब थम टो और थ्रोट, ये देख लेते हैं, थ्रोट होता गला, थ्रोट गला, टो पैर का, पैर की उंगली, और थम मतलब हाथ का अंगूठा, हाथ का अंगूठा, पैर का अंगूठा, और थ्रोट मतलब गला। आल थम, आल थम्स का मतलब अनाड़ी, क्लम्सी बोलते हैं, फिजिकल एक्वर्ड, एक्वर्ड मतलब अनाड़ी व्यक्ति। बी अंडर समवंस थम, किसी के अंगूठे के नीचे रहना यानी किसी के काबू में होना। अंडर मतलब नीचे, समवन थम, थम किसी के थम के नीचे, ये कहते हैं ना उसके अंगूठे के नीचे उसको, वो तो अंडर हिज थम। कट वंस थ्रोट, किसी का गला काटना यानी ओन थ्रोट, अगर खुद का गला काटना है तो कट वंस थ्रोट, और कट हिज थ्रोट मतलब किसी का, किसी को बर्बाद कर देना एक तरह से, गला काटना, ये कहते हैं ना ऊपर ऊपर से मीठा दिखता है, नीचे नीचे गला काटता है ये, कट वंस थ्रोट का मतलब है कि बर्बाद करना एक तरह से। ग्रीन थम, ग्रीन थम का मतलब है बागवानी में रुचि करना, ग्रीन फिंगर आ जाए, ग्रीन थम आ जाए, हाथ अगर हाथ ग्रीन है तो इसका मतलब बागवानी, गार्डनरिंग में हम अच्छा कर रहे हैं, नेचुरल इंटरेस्ट है हमारा, वैसे ही रुचि है, मतलब किसी के मोटिवेशन से नहीं, वैसे हमारी गार्डनरिंग में रुचि है, लेकिन ग्रीन आइज अपोजिट है वो देख लेना। जंप डाउन वंस थ्रोट का मतलब है कि फटकारना, स्कोल्ड करना, ठीक है ना, किसी की गर्दन पे नाचना यानी उसको फटकारना। लंप, लंप इन द थ्रोट का मतलब है कि गला भर जाना, यानी कई बार हम इतने इमोशनल हो जाते हैं, हमारा गला भर जाता है और आवाज़ ही नहीं निकलती, उसको बोलते हैं लंप इन द थ्रोट, यानी अ टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन द थ्रोट ड्यू टू इमोशंस। कई बार फेयरवेल होती है ना बच्चों की, तो बच्चे इतने इमोशनल हो जाते हैं स्कूल छोड़ते वक्त कि क्या हो जाता है, वो इमोशनल होकर उसका उनका गला भर आता है, आवाज़ ही नहीं निकलती है ना, इमोशनल हो जाते हैं। टू रूल ऑफ थम, रूल ऑफ थम का मतलब नियम, कि ये तो रूल है भाई, जनरल प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइन है, गाइडलाइन यानी रूल ऑफ थम है। थम्स अप तो देखते हैं ना, शाबाशी करना, थम्स अप। टू टो द लाइन, टू टो द लाइन का मतलब है कि आदेश का पालन हो रहा है, फॉलो द लीड। अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रीड ऑन वंस टोज का नाराज करना यानी भड़का देना। लेग वाला देख लेते हैं, लेग मतलब टांग, टांग से रिलेटेड कुछ एक फ्रेजेस हैं। ब्रेक द लेग, ब्रेक द लेग का मतलब गुड लक, जब आप पेपर देने जाते हैं तो टीचर बोलते हैं ब्रेड, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब ये नहीं कि किसी की टांग तोड़ दो, ब्रेक अ लेग का मतलब है कि गुड लक, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट बोलते हैं ना, ऑल द बेस्ट अब पुराना हो गया, अब सभी बोलते हैं गुड लक के लिए ब्रेक अ लेग, ठीक है। कोस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, मतलब आर्म और लेग की कोस्ट पर, हाथ और पैर की कोस्ट पर, मतलब बहुत महंगा पड़ना, प्रूव वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा। पुल वंस लेग, किसी की टांग खींचना, टांग खींचना मतलब मजाक उड़ाना दूसरे का, चिढ़ाते हैं ना, टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं, मेक फन ऑफ, मजाक मजाक बनाते हैं, यानी टू पुल वंस लेग, उसकी टांग खींच रहे भाई, उसका मजाक बना रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं, ठीक है। टू हैव लेग, टू हैव लेग का मतलब है कि काफ़ी समय तक बने रहना, टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, कि भाई वो क्रिकेट में है ना बैटबाजी करता रहा, आउट नहीं हुआ, यानी हैव अ लेग, अपनी टांग जमाई रखी उसने, टांग जमाई रखना मतलब काफ़ी समय तक रहना। टू हैव नो लेग टू स्टैंड ऑन, टू हैव नो लेग टू स्टैंड ऑफ मतलब कि खड़े होने के लिए टांग ही ना होना, खड़े होने के टांग ही ना होना मतलब उम्मीद ही ना होना, ठीक है, ज़्यादा उम्मीद ही ना होना, नो टू हैव मच होप ऑफ, ज़्यादा उम्मीद ही ना होना मतलब है लेग ही नहीं है स्टैंड करने के लिए। अब देख लेते हैं फुट, फुट मतलब पैर। फुट द बिल पे फॉर, भुगतान करना, फुट द बिल मतलब भुगतान करना। गेट अ फुट इन द डोर,
यानी दरवाजे में प्रवेश करने के लिए फुट रखना, यानी अवसर मिलना, यानी अंदर जाने का अवसर मिलना, यानी जॉब का एक अवसर मिलना, या किसी का भी अवसर हो सकता है, जॉब का नहीं, जरूर मतलब अवसर मिलना किसी भी चीज़ का। हैव अ फुट इन द ग्रेव, ग्रेव होती है कबर, कबर में पैर रखना का मतलब है कि टू बी क्लोज टू डेथ, भाई वो इतना बूढ़ा हो गया कि कबर में पैर है, मतलब कभी भी मृत्यु हो सकती है उसकी, वो कभी भी मर सकता है। टू हैव फुट इन द ग्रेव कि उसके पैर तो ग्रेव में है, कबर में है। हैव लेड फुट, हैव लेड फुट का मतलब है टेंडेंसी टू ड्राइव वेरी फास्ट, बहुत तेज़ गाड़ी चलाना, लेड फुट, लेड फुट का मतलब गाड़ी चलाना तेजी से। पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड, बेस्ट फुट का मतलब सर्वोत्तम प्रयास करना, यानी अपना बेस्ट, जो आपका बेस्ट फुट है ना उसको आगे बढ़ाना, यानी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाना। टू पुट वंस फुट इन कि अपने फुट को आगे रखना, यानी कुछ कह या कुछ करने के लिए को शर्मिंदा करना। टू पुट वंस फिट इन इट यानी एम्ब्रेंस करना, किसी को शर्मिंदा करना, कुछ कह के या कुछ करके किसी को शर्मिंदा करना, उसको बोलते हैं टू पुट वंस फुट इन इट। हील, हील होती है एडी, एडी, एडी के लिए क्या होगा, एचिल सील, एचिल सील एक कहानी है कि उसकी माँ ने, एचिल की माँ ने क्या किया था कि उसको बताया गया था कि इस तालाब में अपने बच्चे को नहला देगी ना तो ये मतलब इसको कोई भी कुछ नहीं छू सकेगा, उसकी माँ ने उसकी एडी पकड़ के उसको तालाब में डुबो दिया। अब जो हाथ में एडी थी, एडी तो बच गई ना, जो पानी में नहीं डूबी, बाकी तो वो अमर हो गया लेकिन वो एडी रह गई, यानी उसको अगर कोई एडी पे चोट पहुंचाए तो उसको चोट लग सकती है ना, तो एचिल सील का मतलब है कि वीकनेस होना, यानी कमजोरी है उसकी वो, ठीक है ना, कमजोर पक्ष, ठीक है ना, वल्नरेबल पॉइंट यानी कमजोर पक्ष। वूल वंस हील, वूल्स वंस हील का मतलब है कि कूल वंस हील, एक घंटे से बोल रहे हैं तो थोड़ा जवान फिसल जाते हैं। कूल वंस हील का मतलब है कि हील को कूल करना, हील को कूल करना मतलब इंतजार करना, भाई अपने पैरों को जमाए रख, कूल रख, वेटिंग वेटिंग, कीप वेटिंग। अब ड्रैग वंस फिट, ड्रैग वंस फिट का मतलब है कि अनिच्छा से या कुछ धीरे धीरे करना, स्लोली करना, ठीक है, अपने पैरों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना, अनिच्छा से, बिना इच्छा से आगे बढ़ाना। हेड ओवर हील्स, हेड होना हील्स के ऊपर, यानी मैडली इन लव, प्यार में पागल हो जाना, है ना, हेड ओवर हील्स। हेड का यूज होगा तब भी सोचने के लिए होगा, यानी मेंटल मेंटल हेल्थ के लिए होगा। मैडली इन लव का मतलब है हेड ओवर हील्स, यानी उसके हील्स हेड के भी ऊपर है, हील्स हेड के भी ऊपर है, मतलब प्यार में पागल है वो। होट इन द, होट ऑन द हील्स या होट ऑन द हील्स ऑफ भी आ सकता है, इसका मतलब करीब पीछा करना, टू क्लोज परशूट, परशूट मतलब पीछा करना। किकिंग वंस हील, किकिंग वंस हील का मतलब टू वेस्ट टाइम, समय की बर्बादी करना, किक करना, हील से किक करना, यानी वेस्ट टाइम, टाइम को वेस्ट करना। टेक टू वंस हील, टेक टू वंस हील का मतलब है टू रन अवे, ये कहता है ना एडियां का थूक ला ले, रियाणा में कहेगा एडियां का थूक ला जा भाई, यानी भाग जाते, यानी भाग जाना, टू रन अवे। टेक वंस हील का मतलब है टू रन अवे। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, यानी 9-2-11 हो जाना, भाग जाना, ठीक है ना। क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब है कि टू एस्केप, बचकर निकल जाना या रन अवे। बोन, बोन क्या होती है, हड्डी, बोन क्या होती है, हड्डी। अ बोन ऑफ कंटेंशन यानी झगड़े की जड़, बोन मतलब हड्डी। बोन टू पिक, बोन टू पिक मतलब झगड़े का कारण। स्केल्टन, स्केल्टन क्या होता है, अस्थिपिंजर। इन द क्लोसेट यानी राज जो शर्मिंदा करे, यानी इम्बेरेंस सेक्रेट, सेक्रेट छिपा। स्केल्टन भी हमारे शरीर के अंदर छिपा होता है, और ये भी क्या होता है, छिपा होना यानी रहस्य, राज को जो शर्मिंदा करे, ऐसा राज, ऐसा रहस्य। टू मेक नो बोन्स अबाउट, टू मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब है जरा भी नहीं हिचकिचाना, जरा भी हिचकिचाना नहीं। नो बोन अबाउट का मतलब नॉट टू हैव एनी हेजिटेशन, कोई हेजिटेशन ना होना, मतलब क्लियरली कह देना जो भी बात है, क्लियरली कह देना, यानी नो बोन अबाउट, कोई हड्डी नहीं है बीच में, मतलब जो बात कहें क्लियरली कह दी हमने। वर्क वंस फिंगर टू द बोन का मतलब बहुत मेहनत करना, टू वर्क वेरी हार्ड। वर्क फिंगर्स टू द बोन का मतलब है वर्क वेरी हार्ड। अब बैक से रिलेटेड देख लेते हैं, बैक, बैक क्या होती है, पीठ। बैक आउट ऑफ मतलब मुकरना, बैक आउट कर ली यानी मुकर गया अपनी बात से। बैक सीट ड्राइवर का मतलब है, बैक सीट ड्राइवर यानी बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना, बैक सीट ड्राइवर। अब ड्राइवर के पीछे बैठा है, अब उसको क्या पता आगे क्या रह गया ना, मतलब इंटरफेयर करना इन अफेयर विदाउट हैविंग एनी नॉलेज, बिना नॉलेज के इंटरफेयर करना। बैक समवन का मतलब सपोर्ट देना यानी समर्थन करना, पीछे से पीठ थपथपाते ना, वेरी गुड करता रहे, समर्थन कर रहा हूँ मैं, तेरे साथ हूँ। बैक स्टेयर्स गोशिप, गोशिप होता है बातचीत करना यानी कानाफूसी करना, गपशप करना, गोशिप करते रहते ना बच्चे, अभी अब आएगी ये टीचर, अभी ये टेस्ट लेगी, ये करेगी वो करेगी। कैप स्टेयर यानी मतलब नौकरों के बीच गपशप, बैक स्टेयर गोशिप यानी हो सकता है नौकरों के बीच नहीं, बाकी अनफेयर टॉक्स भी हो सकता है, यानी टॉक अबाउट सर्वेंट्स भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सर्वेंट के बीच में हो, किसी भी इंसान के बीच में भी हो सकता है बैक स्टेयर गोशिप दूसरे इंसान के बीच में।
बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं पर प्रारंभिक बिंदु पर लौटना, बैक टू द स्क्वायर वन। जैसे हमने पूरा लेसन कर दिया फिर कहते हैं ना बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं हम, क्या हमने कहां से शुरू किया था। बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, बैक टू द ड्रॉइंग का मतलब है कि नई सिरे से रणनीति बनाना, बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, दोबारा से ड्रॉ करते हैं कि हमने क्या क्या करना है, दोबारा से ड्रॉ मतलब नई सिरे से रणनीति बनाना। अब बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, ठीक है, व्यक्ति को जाने से, किसी व्यक्ति के जाने से खुश होना, ग्लैड टू सी बैक ऑफ यानी उसको ऑफ कर दिया। बैंड ओवर बैकवर्ड, बैंड ओवर बैकवर्ड का मतलब हर संभव प्रयास करना जितना भी आप कर सकते हैं। फॉल बैक मतलब पीछे पलटना, बैक फॉल बैक ऑन का मतलब है कि आश्रय लेना, किसी की सहायता लेना, बैक फॉल बैक ऑन। नो लाइक द बैक ऑफ समवन हैड बुक्स, समथिंग लाइक बैक ऑफ वंस हैंड का मतलब है कि किसी चीज से बहुत परिचित होना या विशेष रूप से कोई क्षेत्र, ठीक है। वंस बैक फुट, वंस बैक फुट, अपने फुट को बैक ले लेना, अपने फुट को बैक लेना, डिसएडवांटेज यानी अन्य लोगों और समूह की तुलना में बदतर करना, बदतर मतलब बुरा करना। पे वंस फिट इन वंस ओन कॉइन, यानी इसका मतलब क्या हुआ, टू पे बैक इन वंस ओन कॉइन का मतलब किसी व्यक्ति से उसी प्रकार से व्यवहार करना जैसे उसने किया है, टू पे बैक इन वंस ओन कॉइन, जैसा उसने कॉइन दिया वापस बैक हमने वैसे दे दिया, ठीक है। बैक मतलब पीठ भी होता है, बैक का मतलब वापस भी होना, ठीक है, वैसे ही ट्रीट करना दूसरे को जैसा वो करता है। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट के लिए एक ऑलरेडी माथा ऊपर वो भी बताना है। रोल बैक का मतलब है कम कर देना यानी पलट कर देना हालत में जो पहले जैसे करना। स्टैब समवन्स इन बैक, किसी की पीठ में चूड़ा घोंपना यानी किसी से कपटपूर्ण व्यवहार करना। टू टेकन अ बैक का मतलब है कि सरप्राइज कर देना, शोक कर देना, हैक कर देना। टू बी बैकबोन का मतलब है कि जो एवरी मैन हर तरह से, ठीक है, कि वो तो उसकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, एवरी मैनर पूरी तरह से। ये हमारी क्लास थी, थैंक यू।